दिन भर के से प्रायोजक है स्विगी। साई प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की ओर से कोरोना के संकट के इस दौर में एक अपील है। अपील ये है कि आप अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब तक जरूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। अब आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। सैकड़ों यात्रियों को लेकर लुधियाना से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन, यात्रियों ने स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को किया जाए लाभान्वित। प्रधान डाकघर के ग्राहकों से अधिकारी नहीं करा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। मछली व्यापारी संघ ने महेवा स्थित गौ सेवा सदन के लिए महापौर व नगर आयुक्त को सौंपा लगभग 10 टन भूसा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में समय सीमा के अनुसार दिए गए छूट के बाद बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस घरों में रहने की कर रही है अपील। रेलवे अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के उपचार और रखरखाव के संबंध में सीएमओ के नेतृत्व में डॉक्टरों व कर्मचारियों ने किया पूर्वाभ्यास। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहकर डाक विभाग के एपीएस के जरिए मंगा सकेंगे पैसे। सीएमओ की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी ने 13 कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। विकासखंड खोराबार के विभिन्न रास्तों, दुकानों व घरों को डीपीआरओ के नेतृत्व में अत्याधुनिक मशीन से किया गया सैनिटाइज। और 50% उपस्थिति दर्ज कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दो शिफ्टों में सरकारी कार्यों का कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है निपटारा। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल पर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए यात्रियों को लाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लुधियाना से सैकड़ों यात्रियों को लेकर पहुंची ट्रेन से यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत प्लेटफॉर्म पर उतार कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण संबंधित अधिकारियों द्वारा कराया गया। वहीं यात्रियों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर पर ड्रोन कैमरों से इनकी निगरानी भी की गई। वहीं रोडवेज के बसों के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। आजमगढ़ 43 नंबर, संत कबीर नगर 36-37, गोरखपुर जाने वाले सभी इधर जाएं। ये क्यों खड़ी भीड़, क्यों खड़ी है? इधर चलो, गोरखपुर जाने वाले इधर चलो। सिद्धार्थ नगर 40-40, सिद्धार्थ नगर No, no, no.
कुशीनगर महाराजगंज चार जिलों के पैसेंजर घर जाएंगे। गोरखपुर देवरिया कुशीनगर महाराजगंज भीड़ करा दी। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया, आज अभी एक ट्रेन आनी थी, वो ट्रेन आ चुकी है, लुधियाना से आई है और सभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एक कोच में 50 यात्री के एवरेज से आए हैं और यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्कैनिंग करा के और उनका सारा डिटेल, नाम पता, कहाँ जाना है, क्या मोबाइल नंबर, क्या काम करते थे लुधियाना में, ये सब डिटेल नोट करने के बाद उन्हें संबंधित डिस्ट्रिक्ट्स में एक बस में 25 के एवरेज से सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाकर भेजा जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर में बैठे NIC सभागार में उपस्थित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कुछ आवश्यक बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत प्रदेश में 1,99,00,000 किसानों को भुगतान करना है, जिसमें से 27,00,000 आधार को कनेक्शन करना है, 12,00,000 खातों को सही करना शेष रह गया है। इन सभी खातों को सही कराते हुए भुगतान कराएं, साथ में भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत PM किसान सम्मान निधि सभी पात्रों को लाभ पहुँचाया जा सके। सभी किसानों के आधार कार्ड व बैंक डिटेल से संबंधित त्रुटियां जल्द से जल्द ठीक करवाने की उन्होंने अपील की। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर कृषि डॉक्टर ओमवीर सिंह, कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 80,965 जिले ऐसे हैं आपके जिनका जो आधार है इनवैलिड है, ये बड़ी संख्या है। अब आप इसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे विनोद ने किया, जैसे कि आपने 88,000 को हम कैसे ठीक कराए, इसमें से कितने ठीक है कितने गलत निकलेंगे, आइए डाटा आपसे शेयर किया गया है। इसके अलावा कुल लाभार्थी जिनकी संख्या आधार वैलिड है पर नाम मिसमैच हो रहा है वो आपके 32,000 बिजनौर की बात भी सुनी होगी और या आपने अपनी कोई अलग व्यवस्था बनाई हो तो बता दें कैसे इसे कर पाएंगे। बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा असल में ये प्रधान डाकघर में आने वाले ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। वहीं डाक विभागों के कर्मचारी और अधिकारी भी इस नियम को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था ग्राहकों के लिए की गई है और ना ही कोई सुरक्षाकर्मी लगाया गया है। ऐसे में प्रधान डाकघर आने वाले ग्राहकों में संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस संबंध में अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने ग्राहकों पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रवर अधीक्षक डाकघर SN दुबे ने बताया, हमारे वहाँ पर केवल एक गार्ड है और गार्ड भी अगर 10 आदमी 50 आदमी है, गार्ड की बात कौन सुन रहा है? इसलिए पब्लिक जब तक ये अगर पब्लिक अंदर नहीं आएगा कि हमको उसको फॉलो करना है, तब तक ये मतलब 100% फॉलो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी आपने उदाहरण देखा था कि शराब की दुकान पर 1 किलोमीटर दूरी लगी तो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, है ना? तो ये है कि मतलब फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग जो है अंदर केवल 10-12 आदमी को ही बुलाते हैं। 10-12 आदमी कहीं उठा पेमेंट हो जाता है, फिर उनको आउट करके फिर अंदर आदमी बुला रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है।
सैनिटाइजर हो तो कोरोना का रखे सर, मैं ऐसा क्या ना कि जैसे वहाँ रखा गया और पब्लिक बहुत वैसी होती है, कोई पब्लिक उठा भी ले जाती है, कोई जाती है, अपना आदमी कहा कि उसको 24 घंटा देखता रहेगा। फिलहाल मैं इसका व्यवस्था अगर नहीं है तो मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। महेवा स्थित गो सेवा सदन में महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने मछली व्यापारी संघ के महामंत्री आदित्य कुमार झा द्वारा लगभग 10 टन भूसा पशुओं के लिए नगर निगम को निशुल्क उपलब्ध कराया गया, जिस पर महापौर द्वारा महानगर की जनता, नगर निगम व व्यापारी बंधुओं की तरफ से मछली व्यापारी संघ के सदस्यों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर उप सभापति अजय राय, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित अन्य कर्मचारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। इसको इस साइड में पूरा उतरवाया जा सकता है, इस साइड में उतर जाएगा पूरा, इससे जगह पूरा हट जाएगा, इधर आ जाए उतर हो जाएगा। अरे बोला घंटे में इसको डालते जाए। देखिए उसका ये सिस्टम है जिसे हम लोग जो अपने बनाते हैं, जो कुछ हाथ इसका लगा लीजिए। आइए सर, आप भी आ जाइए, आइए हम तो है। हाँ सर इधर आइए, जगह बहुत है, बहुत जगह आ जाएगा। माल इसमें मतलब 7 टन 700 kg है, इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। झा द्वारा 10 टन से ज़्यादा भूसा इस गौशाला को दिया गया है और इनका एक बड़ा बहुत बड़ा सहयोग है, साथ ही साथ ये सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। इन्होंने आम जनता को और पुलिस प्रशासन को पानी मुहैया कराया है, 200 पेटी लगभग हम लोगों को दिया है, जो पुलिस प्रशासन पर चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको दिया जाता है। इनका सहयोग हमेशा समाज के प्रति बना रहता है। मैं अपने नगर निगम की तरफ से और गोरखपुर के जनता की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन के निर्देश पर जरूरी सुविधाओं के लिए छूट दी गई है, छूट की भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और लोगों को समय सीमा खत्म होने पर अपने अपने घरों में वापस किया जा रहा है। पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। इसी क्रम में सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में हर रोज शाम को भ्रमण कर अनाउंसमेंट करते हुए पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। राजघाट व कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को समझा कर वापस घरों में भेजा जा रहा है। अरे मीटर
इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। ये कप्तान साहब के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों चौकी प्रभारियों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि भ्रमणशील होकर अगर कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, स्पेशली जो छूट दी गई है डीएम साहब द्वारा, उसके समय के आगे बढ़ के तो उनसे अनुरोध करके बंद कराएं और अगर कहीं पर वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता हो तो वो भी की जाए। सर, अगर ऐसे लॉकडाउन समय सीमा के बाद तो अगर लोग मिलते हैं बाहर तो उनसे क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो काउंसिल किया जा रहा है, अगर वो लग रहा है कि वो जानबूझ के है या उनको अज्ञानतावश नहीं बल्कि जानबूझ के इस प्रकार का कुछ करना है तो वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो चलिए, वक्त चला छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौट रहे हैं वापस, कहीं मत जाइएगा। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू? इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर, प्रतिदिन फॉर ₹1, ₹2 या ₹3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद दिनभर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखने व उनके उपचार के लिए 200 बेडों की व्यवस्था की गई है। सीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों के द्वारा रेलवे अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया कि अगर अस्पताल में कोई भी संक्रमित मरीज आता है तो उसे किस तरह से एम्बुलेंस द्वारा लाकर और कैसे संक्रमित व्यक्ति का उपचार करना है। इस पूर्वाभ्यास के दौरान कई डॉक्टर मौजूद रहे। अभी इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसे रिकॉर्ड कर लो, उसी साइड रहो, उस साइड रहो। अभी नहीं, चालक का नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, पेशेंट कहाँ से आया हुआ है, पेशेंट का पूरा डिटेल और उसके बाद आने का समय जो होगा, एम्बुलेंस कब निकल रही है और उसके विवरण आने का है। एम्बुलेंस के वाहन चालक यहाँ पे आ जाए, मरीज के बारे में आप यहाँ पे जांच करा दें। आ गए, आ गए। एम्बुलेंस से मरीज उतर रहा है, एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो कि क्वारंटाइन सेंटर से ललित नारायण मिश्र हॉस्पिटल में आ चुका है और हेल्थ असिस्टेंट कृपया बारे में मीडिया कर्मियों के बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। हॉस्पिटल 200 बेडेड कोविड अटैच, कोविड L1 अटैच फैसिलिटी के रूप में शासन द्वारा चिन्हित किया गया है। वहां 200 बिस्तर का कोविड अटैच फैसिलिटी है और अभी हमारे यहां वहां केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन अगर केस निकलता है तो अब हम वहीं पर भर्ती करेंगे। उसी के लिए आज एक मॉक ड्रिल की गई थी कि
अगर केस पॉजिटिव आता है तो किस एम्बुलेंस द्वारा कैसे लाया जाएगा, एम्बुलेंस कहाँ रुकेगी, उसको कैसे उतारा जाएगा, उसको कौन सी सिस्टर या स्टाफ रिसीव करेगी, उसे क्या क्या पहने होना चाहिए, किस वे में वो उसको वार्ड में ले जाएगा, और वार्ड में जब वो भर्ती होगा तो उसके लिए कैसी सावधानियां बरतते हुए हमारे चिकित्सक, हमारी स्टाफ नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल, हमारे सफाई कर्मी कार्य करेंगे, उसी की ये ड्रिल की गई थी। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, इसी के ध्यान में रखते हुए डाकघर विभाग के APS के जरिए अपने ग्राहकों को पैसा पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहकों को अधिकतम 10,000 तक डाकिये के माध्यम से ग्राहक के घर पैसा पहुंचाया जा सकेगा। इसके बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रवर अधीक्षक डाकघर गोरखपुर मंडल SN दुबे ने बताया, जो है ये IPP का एक अंग है, जो कि पोस्ट ऑफिस IPP के द्वारा जो है सबका खाता खोल करके वो पेमेंट कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक नई हमारे पास मोबाइल सुविधा है, मोबाइल सुविधा के अनुसार जो है किसी बैंक का जो भी पैसा होगा उसको हम APS के माध्यम से मतलब कलेक्ट लेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे। इसमें डोर टू डोर सुविधा है, अगर कोई आदमी कहता है, फ़ोन करता है मुझे पैसा चाहिए, तो हमारा जो पोस्टमैन है, कोई विकलांग है, कोई मतलब अपाहिज टाइप का है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको उसके घर भी जा करके हमारे पोस्टमैन जो है उनके घर जाकर पेमेंट कर रहे हैं। उसमें प्रोसीजर ये है कि एक मतलब अंगूठा उसका लगता है, थंब इंप्रेशन लगता है, और थंब के बाद में जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो पैसा उसके खाते में आ जाएगा, और खाते में आने के बाद जब हम उसको पेमेंट देन एंड देयर उसी समय जो है हम उसको जमा जो भी मतलब नीड किया, रिक्वायर किया, उसको पेमेंट कर देते हैं। उसका सर लिमिट कोई है कि क्या, अनलिमिटेड? नहीं, लिमिट क्या, लिमिट 10,000 की लिमिट है, एक मतलब एक यूज़र के लिए जो है, एक उसके होल्डर के लिए 10,000 की लिमिट लिखी गई है, 10,000 उसको हम तत्काल पेमेंट कर देते हैं। रेडक्रॉस सोसाइटी ने विश्व रेडक्रॉस दिवस के मौके पर CMO कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 13 कोरोना वॉरियर्स को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग व NHM के अधिकारी के साथ WHO सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च GVK फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी सम्मानित हुए। इस अवसर पर NHM के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद, क्वालिटी सहयोग विजय कुमार श्रीवास्तव आदिल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। केवल हम 9 से 10 लोगों को ही सम्मानित कर पा रहे हैं, रेडक्रॉस सोसाइटी ने जो नाम चयनित किए, तो ये गोरखपुर जिले के पिछले 3 महीने से सभी लोग पूरे दिन रात लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा पुणे CMO सर और नर्स सर से, भूमिका रही है, पूरा योगदान रहा है। कोरोना फाइटर्स और कोरोना वॉरियर्स के लिए सर के नेतृत्व में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और जितने भी लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, मेरे लिए बड़े सम्मानित डॉक्टर साहब, मीडिया के जनपद गोरखपुर के तत्वावधान में रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस जनपद के मुख्य शिक्षक। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, आज हमारी लोकल ब्रांच गोरखपुर की ब्रांच ने ये तय किया कि कोरोना से हमारे जो भी स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस के हमारे चालक बंधु, ये सब जो काम कर रहे हैं, इनको हम सम्मानित करें, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति है, एक वैश्विक महामारी है, और इस बीच में ये अपने जान की बाजी लगा कर बिना इस भय के कि हमें भी पकड़ लेगा कोरोना, जो कि एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जिन लोगों को मिला है, ये पूरी हमारी फैमिली को मिला है, पूरी हमारे स्वास्थ्य विभाग को मिला है, क्योंकि इस समय कोई बड़े फंक्शंस नहीं किए जा सकते, कोई आयोजन बड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए एक छोटे रूप में
हमारे कर्मचारियों का, हम लोगों का हौसला अफजाई के लिए रेड क्रॉस ने सोचा और उसी का ये फंक्शन है आज, आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया। जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने अपने क्षेत्र में सैनिटाइज किया है हाइपोक्लोराइड विलयन से। जिला पंचायत अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के द्वारा अत्याधुनिक मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज कराया गया। विकासखंड खोराबार के मोतीराम अड्डा कस्बे में झंगहा जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ व चौरी चौरा जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ सभी दुकानों और घरों पर जिला पंचायत अधिकारी द्वारा ये सैनिटाइजेशन का कार्य उनके मातहतों द्वारा किया गया। शासन के निर्देश पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में आवश्यक कार्य हेतु सरकारी कर्मचारियों में दो शिफ्टों में 50-50 प्रतिशत कर्मचारियों को लगाते हुए सरकारी कार्यों का निपटारा किया जा रहा है। इस नियम के तहत अंग्रेजी दफ्तर, बड़ी पेशी, एडीएम, वित्त, ट्रेजरी कार्यालय सहित अन्य विभागों के कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने टेबल पर संबंधित बाबू अपने पटल के कार्यों को निपटा रहे हैं, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और कर्मचारियों को संक्रमण से भी बचाया जा सके। मास्क लगा लीजिएगा। तो दिन भर के इस बुलेटिन में इस अंक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहे सिडबन चैनल। साईं प्रणाम।